सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। बेंटन यूनिवर्स में बहुत सारे एलियंस एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि वाटर टाइप, फ्लाइंग टाइप, फायर टाइप। तो आज मैं उन एलियंस में से बात करूंगा वाटर टाइप एलियंस की, मतलब कि जिनके जबड़े कितने मजबूत हैं, उन एलियंस की बात करेंगे। और हाँ, ये कोई रैंकिंग वीडियो नहीं होगी, ओनली कंपेरिजन वीडियो होगी। इस वीडियो में किसी भी एलियन को रैंक नहीं किया जाएगा, ये कंपेरिजन वीडियो होगी। तो चैनल पर जो चैनल सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना। मैं मिलता हूँ वीडियो में, लेट्स बिगिन बॉयज। तो कैसे बात कर लेते हैं वाइल्डमेट। वाइल्डमेट की स्पेसिस का नाम है बुलफिम मेंसर और इसके होममेट का नाम है बुलफिम। बेंटन क्लासों में फर्स्ट टाइम अपीयर हुआ था हीट ब्लास्ट के बाद, और क्लासिक में टॉप 10 एलियंस में भी आता है। इसके कुछ पावर्स और एबिलिटीज की बात करें तो हर चीज को सेंसिंग पावर काफी अच्छी है इसकी। इसके पास शार्प टीथ है जो कि शार्क से इंस्पायर्ड है। सो फ्रेंड, वैसे तो वाइल्डमेट के जबड़े का कमी यूज दिखाया गया है सीरीज में, पर मैं अगर आपको एग्जांपल दूं तो एक एपिसोड में इसने केविन 11 के प्लेन को भी डैमेज कर दिया था। उस एपिसोड का नाम है फोर्स ऑफ क्रिएशन। अगर आपको ध्यान हो तो इसी से इसकी पावर्स का अंदाजा लगाया जा सकता है। और ये मेटल जैसी चीजों को काफी अच्छी तरीके से फाड़ सकता है और काफी अच्छा डैमेज दे देता है। तो हम समझ सकते हैं कि इसके जबड़े में कितनी पावर है। तो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं बैनबॉल। बैनबॉल की स्पेसिस का नाम है लोमोन और इसके बोमबर्ट का नाम है नोनोलोब। और इसकी पावर्स और एबिलिटीज की बात करें तो इसके पास अल्ट्रासोनिक साउंड की पावर है, और जो कि हमारे एक को, छोटे से प्यारे से एको को भी टक्कर दे सकती है। अब बात कर लेता हूँ, मेन पॉइंट पे आ जाता हूँ। तो मेन पॉइंट ये है कि अगर इसके जबड़े की बात करूँ तो इसका जबड़ा वाइल्डमेट को शायद टक्कर दे सकता है। वैसे तो मेटल को स्क्रैच कर सकता है और अपने जबड़े से कुछ समय तक मेटल को हार्मफुल भी मतलब कि डैमेज कर सकता है। तो इसका जबड़ा काफी पावरफुल है। वैसे तो अगर इन दोनों के जबड़े को कंपेरिजन करूँ तो इसमें वाइल्डमेट विनर होगा, क्योंकि वाइल्डमेट का जबड़ा जो कि शार्क से इंस्पायर्ड है और इससे काफी बड़ा भी है। तो वैसे तो वाइल्डमेट विनर होगा। तो अब आगे देखते हैं, बढ़ते हैं अगले अपोनेंट पर। सो गाइस, अब बात कर लेते हैं अपने लास्ट अपोनेंट के बारे में, जो कि है रेबजॉब। रेबजॉब तो हमें बैठने की क्लासिक सीरीज में दिखाया गया था और टॉप 10 क्लासिक एलियंस में भी आ जाता है। इससे कुछ पावर्स और एबिलिटीज की बात करूं तो इसके पास एनहेंस स्ट्रेंथ है, अंडरवाटर ब्रीथिंग कर सकता है, एनहेंस ड्यूरेबिलिटी भी है, और ये अच्छे से स्विमिंग और काफी फास्ट स्विमिंग भी कर लेता है, और ये किसी भी बड़ी सी बड़ी वेव्स को कट कर देता है। अब इसकी वीकनेस की बात करें तो इसकी वीकनेस है कि ये बाटर से बाहर निकलती है, इसको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिसिटी के आगे वीक है, फायर के आगे वीक है। तो यार इसकी कुछ ज़्यादा वीकनेस नहीं है, काफ़ी कम वीकनेस है, काफ़ी पावरफुल एलियन भी है ये। तो ऐसा मेन पॉइंट पे आ जाते हैं जिसको आपका इंतजार होगा। तो अब इसकी जबड़े की बात करें तो इसका एक जबड़ा जो कि एक पावरफुल वेपन कह सकते हो आप इसका, जो कि इसके वेपन का काम करता है, इसका जबड़ा जो कि काफ़ी पावरफुल है। एक बार तो इस एक एपिसोड में इसे समरीन तक के मेटल को खत्म कर दिया, मतलब क्रैक करने के बाद उसे फाड़ दिया था। तो यार समझ सकते हो कि समरीन का मेटल जो कि कितना पावरफुल होता है, उसको भी इसने खत्म कर दिया था। तो ये किसी भी बड़े से बड़े मेटल को आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकता है, तो जो कि इसे काफ़ी अच्छी पावर है। सो अगर आप इन तीनों के जबड़ों को कंपेरिजन करूँ, वाइल्डमट, वैनबर्फ और रिपजॉब, तो उनमें से यार इन सब तीनों में से मेरे हिसाब से विनर होगा रिपजॉब, क्योंकि इसका जबड़ा जो कि समरीन तक के जबड़े को टक्कर दे सकता है। तो समझ सकते हो कितना पावरफुल जबड़ा है इसका। मेरा ओपिनियन तो यही है, क्योंकि इस फाइट का बिना रेप जॉब्स है। और तुम अपना ओपिनियन कमेंट में बता देना कि किसका जबड़ा कितना पावर। सो दैट्स इट गाइस, वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ। मैं मिलता हूँ तो मैं ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए चैनल पर बने रहो। चैनल पर न्यू चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस करता हूं। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना जरूर, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए गुड बाय।